हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। इस रीडिंग में हम ये देखेंगे अभी इस वक्त कौन आपको याद कर रहा है, कौन है वो पर्सन जो कि आपको मिस कर रहे हैं और उनका इंटेंशंस क्या है, किस तरीके से आपको याद कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन जो कि इस वक्त याद कर रहे हैं आपको। ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सब के लिए है। यूनिवर्स से प्रे ज़रूर कर लीजिएगा कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को इस वक्त कौन याद कर रहे हैं, कौन है वो पर्सन जो कि इनको याद कर रहे हैं। अगर कोई आपके मन में है तो बिल्कुल उनको याद कर सकते हो, आप ऑलरेडी कर रहे हो। तो देख लेते हैं क्या वो वही पर्सन है जिनको आप मिस कर रहे हो इस वक्त, जो आपके मन में है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति मुझे ओवरथिंकर दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं, ठीक है। ये प्लान्स करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनका एक्शन बहुत कम होता है पर ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा खासा मुझे इनके पास प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है, या तो इनको बहुत कुछ अचीव करना है। ये ऑलरेडी मुझे वेल सेटल्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, या तो इनको बहुत कुछ चाहिए लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिनके साथ आप कनेक्शन में रहे हो, लव रिलेशनशिप में रहे हो, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक था, जहाँ पर सेम एफर्ट्स था, सेम अट्रैक्शन था, फीलिंग्स था, आप दोनों ने मीटिंग्स किया है, आप दोनों का सेम सेक्स जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों का। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लेस्ड रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। ये कैंसर स्कॉर्पियो पैसिस हो सकते हैं। ये वही पर्सन है जहाँ पर सेम फीलिंग्स था जिनके साथ आपका, ठीक है। जितना एफर्ट्स आपने किया उतने एफर्ट्स सामने वाले पर्सन का भी था, जितना अट्रैक्टेड आप थे या आपका इमोशंस था, सामने वाले की तरफ से भी सेम फीलिंग्स और एफर्ट्स था, अट्रैक्शन था आपके लिए, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आपको नहीं पता ये पर्सन कौन है तो ये जल्द से जल्द अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे, आपको कहेंगे, ठीक है। ये आपकी सोलमेट है अगर आप टोटली सिंगल हो तो, हाँ कोई है आपके लाइफ में। और ये मुझे वहाँ के दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आप स्टडी करते हो, जहाँ पर आपका करियर है, आप कुछ वर्क करते हो, काम करते हो या स्टडी करते हो, ठीक है। ये वहाँ से आपको देख रहे हैं। या मनी करियर को लेकर कुछ था, ठीक है। ये व्यक्ति बैंक में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चश्मा लगाते हैं, ऐसा हो सकता है। ये आपके कंट्री के नहीं हो सकते, कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ कंट्री के हैं ये वर्सन, ठीक है। आप दोनों के बीच एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है। और कौन है ये पर्सन, यूनिवर्स बताएं मुझे क्लियर कीजिए। ये वही पर्सन है जिन्होंने कभी आपको काफ़ी स्पेशल फील कराया है, अगर कोई आपके लाइफ में रहे हैं तो, ठीक है। जिनका इंतज़ार आप कर रहे हो, जिनका इंतज़ार आपको है, आप वेट कर रहे हो, जिनके तरफ आप अट्रैक्टेड हो, आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, इनका आने का, कम्युनिकेशन का, कॉल टेक्स्ट का। पर ये व्यक्ति सोच रहा है आपके बारे में, ज़रूर सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है। आपसे बात करे, आपसे मिले, अपनी फीलिंग्स कहे, आपको बताए, पर ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये, ठीक है। आसान नहीं है इस पर्सन के लिए अपने दिल की बात कहना, क्योंकि आप दोनों के बीच डिफरेंसेस है, ठीक है। आप दोनों के बीच मुझे डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी अच्छे पोजीशन में हो सकते हो, आप दोनों के बीच किसी न किसी तरह का मुझे डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स और बताएं मुझे इस पर्सन की फीलिंग्स और क्या है, कौन है ये पर्सन बताएं मुझे।
इस व्यक्ति की एनर्जी ना मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, एक किंग या क्वीन, ठीक है, खुद को काफ़ी अच्छे से कैरी करना, परफेक्ट दिखाना इनको पसंद है। और कौन है ये पर्सन, यूनिवर्स क्लियर कीजिए मुझे, कौन है ये पर्सन। आप दोनों के बीच में मनी को लेकर कुछ हो सकता है, ठीक है, कभी कुछ रहा है, ये लिए हो सकते हैं, ये पर्सन काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। ये तो इनसे डील करना आपको बहुत मुश्किल लगा, आसान नहीं था आपके लिए इनसे डील करना। मुझे कुछ लोग लिए ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ ऑलरेडी रह चुके हो, कोई सिचुएशनशिप आपका रहा है और ये सेकंड चांस चाहते हैं आपसे या देना चाहते हैं। बिल्कुल, इस कनेक्शन को सेकंड चांस देना है या तो आपसे चाहिए, आपसे माफ़ी मांगना है इस पर्सन को। ये वही हो सकते हैं जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है या ब्रेकअप आपका हुआ जिनके साथ, ठीक है, या आपको मिस कर रहे हैं या आपको याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हो, दोनों ही याद करते हो, दोनों की फीलिंग्स है, इमोशंस है एक दूसरे के लिए, किसी का ज़्यादा किसी का कम मुझे दिखाई दे रहा है, आपको मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कोई एक पर्सन, किसी एक पर्सन का इमोशंस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, या इंतज़ार,